नमस्कार दोस्तों, आज संध्या की किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जिन लोगों नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों एक और हमारा लोकगीत चैनल है तो उस पर भी जाके आप लोग देखिएगा। दोस्तों मैं बहुत अच्छे अच्छे गीत उस पर सुनाती हूँ तो उसको भी दोस्तों आप लोग लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों फिर चलिए हम नई वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं, तब तक चलिए हम रेसिपी बना के दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने आज नाश्ते बनाने चल रहे हैं। नाश्ते में सुबह में सोचना पड़ता है कि क्या नाश्ते में बनाएं, पहले तो कुछ ना कुछ जरूर नाश्ते में बनाना पड़ता है। तो सुबह में चल रहे हैं आज नाश्ते बनाने में दोस्तों, तो बहुत चटपटे नाश्ते बनाएंगे। वीडियो शुरू से लाइक तो जरूर देखिएगा आप लोग। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक कटोरी सूजी लिए हैं, यहाँ पर हम ये पावर सूजी हमारा है, इसको हम डाल ले रहे हैं। सूजी को डालने के बाद से यहाँ पर देख रहे हैं एक कटोरी बेसन, छोटी कटोरी से एक कटोरी बेसन लिए हैं। जब बेसन को भी डाल लिया इसमें हम, अब डालने के बाद से यहाँ पर देख रहे हैं कि दही लिए हैं। ये दही बिल्कुल मीठा है दोस्तों एकदम। आपके पास दही हो तो दही डालिए, नहीं तो आप पानी में भी इसका घोल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे दो तीन चम्मच इसमें दही हम डाल लिए, बड़े चम्मच से। एक कटोरी दही लगभग हो गया है, यहाँ पे देख रहे हैं एक कटोरी दही इसमें हम डाल लिए। दही डालकर एक साइड में कर लिए। तो जब भी दूध हमारे पास बचता है तो थोड़ी सी जोरन हम डाल देते हैं उसमें, क्योंकि गर्मी में मौसम आ गया तो जैसे देखते हैं किसी को मट्ठा पीने के लिए मन करता है, चाहे खाने के लिए मन करता है, इसलिए रात में हम थोड़ी सी दही में जोरन डाल के रख देते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इसका घोल बनाएंगे। तो इसमें बेसन और दही और सूजी को अच्छे से फेंट लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं फेंट लिए हैं। अब इसको एक साइड में इसी तरह से हमने 10 मिनट के लिए रख देंगे। अभी आपको जला ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आग जल गया है, इस पे हम रखेंगे करेले को। अब करेले में डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद फिर इसको हम ढक देंगे अच्छे से, पानी को गर्म करेंगे। अब जैसे दोस्तों इसमें हम नाश्ते में डालने के लिए क्या क्या लिए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने प्याज को काट के रखे हैं, बिल्कुल पतले हुए बारी हुए प्याज को काटे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे टुकड़े में। यहाँ पर देख रहे हैं टमाटर को भी काट के रखे हैं, दो टमाटर छोटे साइज में हैं। यहाँ पर धनिया पत्ती लिए हैं, धनिया पत्ती की जगह भी दोस्तों आप कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ते से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर देख रहे हैं दो लाल मिर्ची हमने यहाँ पर खलबट्टे में दरबरे कूट के ले लिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लहसुन के 3-4 कलियाँ भी हमने कूट के ले लिए हैं कलबट्टे में। यहाँ पे आधे चम्मच देख रहे हैं बेकिंग पाउडर लिए हैं, यहाँ पे नमक लिए हैं। अब इन सभी चीज़ को लेने के बाद से अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी अच्छे से फूल गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फूल गया बहुत अच्छे से। तो 10 मिनट रखने के बाद से रहता है जैसे कि मोटे दाने में सूजी रहता है, चाहे पतले दाने में सूजी रहता है, तो बहुत अच्छे से फूल के हमारा इसमें मिक्स हो जाता है अच्छे से। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज को। प्याज को डालने के बाद से कटी हुई टमाटर को भी डाल देंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे दरबरे लहसुन को खलबट्टे में जो कूट के ले लिए हैं इसको भी डाल दिए। यहाँ पे लाल मिर्ची भी दरबरे कूट के ले लिए हैं, इसको भी डाल दिए। आपकी चाहे लाल मिर्ची कूट के डालिए, चाहे पाउडर वाला हो आपके पास तो आधे चम्मच आप डाल सकते हैं इसमें। अब डालने के बाद से इसमें हम कुछ धनिया की पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती डालने के बाद से इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर। बेकिंग के पाउडर की जगह पे आप इनो भी आधे पैकेट डाल सकते हैं इसमें, आधे चम्मच छोटे चम्मच से। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार से नमक। नमक जब भी डालना चाहिए अपने स्वाद के अनुसार से डालना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं दो नींबू के रस हमने निकाल के ले लिए हैं, यहाँ पे नींबू के रस को भी डाल देंगे इसमें। अब नींबू के रस को डालने के बाद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 5 मिनट हो चुका है तो हम इसको चेक कर ले रहे हैं अच्छे से फूल गया है। तो आपको ध्यान देना है कि जो पानी इसमें डाल रहे हैं तो पानी इसका पेड़ी में लगना रहना चाहिए। ज्यादा पानी रहेगा आपका तो जैसे इसमें गिराने का डर रहता है। अब इसको हम चेक कर ले रहे हैं एक बार। तो आप देख रहे हैं हल्के हल्के भी लग रहा है चाकू में, चाकू में हल्के हल्के भी लग रहा है। तो इसको हम इसी तरह ढक देते हैं, 2-3 मिनट और ढक के पका ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कितनी अच्छे से फूल गया है। अब फिर भी चेक एक बार कर ले रहे हैं। अब देख रहे हैं चाकू में लग नहीं रहा अच्छे से, पूरा बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। तो इसको इसी तरह हम खुलते में पकाएंगे पहले 2 मिनट। अभी ऊपर से गीला है हल्का हल्का देख रहे हैं,
तो इसी तरह खुलते में इसको हम पकाएंगे 2 मिनट। तो इस तरह से दोस्तों उबला नाश्ता बनाते हैं, तो नुकसान भी नहीं करता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा काफी रहता है दोस्तों, अब बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से नाश्ता बहुत जल्दीबाजी में बन भी जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह देखिए 2 मिनट हम पकाएंगे इस तरह पहले खुलते में, या कि ऊपर के जो पानी हल्के से रहेगा सूख जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 मिनट खुलते हमने पका लिया अच्छे से, अब इसको उतार दे रहे हैं नीचे ठंडे होने के लिए। अब इसे हम कढ़ाई रखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी गर्म है, पहले थोड़ी सी हल्के से ठंडे हो जाता तो इसको उकाचने में अच्छा रहता है। तो अभी गर्म है, थोड़ा रुक जा रहा है इसको, तब इसको बाद हम इसको निकालेंगे। तब इसको हम इसी तरह से देख रहे हैं किनारे इसका छुड़ा लिए हैं। तो दोस्तों ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिएगा तभी निकालिएगा आप लोग, ये बहुत ज्यादा गर्म है अभी। यहाँ भी देख रहे हैं हम गर्म में इसको निकाले हैं, आप जब भी निकालिएगा इसको ठंडे हो जाने के बाद निकालिएगा, ठंडे होने के बाद निकालने पे बहुत अच्छे से उपज जाता है। तो देख रहे हैं अच्छे से उपज नहीं रहा है अभी, ये जब ठंडा हो जाता है तो बहुत अच्छे से उपजता है। तो क्योंकि छत पे बहुत ज्यादा धूप आ चुकी है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी उकाच ले रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग बिल्कुल इसको ठंडे हो जाने दीजिए तब उकाचिएगा इसको, ठंडे होने के बाद बहुत अच्छे से उकचता है, काफी अच्छा होता है। तब देख रहे हैं कि आप उकच गया है, तो इसमें हम डालेंगे कढ़ाई में डालेंगे 2-3 चम्मच तेल। अब बहुत काफी देख रहे हैं कि फूला भी है बहुत अच्छा से। तो इसको दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह से खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं आपने, तो हल्के से तेल में इसको फ्राई कर लीजिए आप, तो इस तरह भी अच्छा लगता है, बहुत काफी अच्छा लगता है इस तरह भी खाने में। चलिए इसको हम कट कर ले रहे हैं अब दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने राई चम्मच सरसों आधे चम्मच लिए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पीस इसका इस तरह से काट लिए हैं आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे राई सरसों दोस्तों, इसको आप चटनी के साथ में भी खा सकते हैं, चटनी के साथ में खा सकते हैं। तो आप इसमें तनसर राई सरसों डालकर थोड़ी सी, उसके बाद हरी मिर्ची डाल दीजिए इसमें। हरी मिर्ची के डालने के बाद से इसे दे रहे हैं कड़ी पत्ते लिए हैं, कड़ी पत्ते को भी हम डाल दे रहे हैं। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 नींबू के छोटे 1 नींबू का रस लिए हैं, 2 नींबू के रस हम इसमें डाले थे, 1 नींबू का रस यहाँ पे ले लिए हैं। आप इसको चटनी के साथ में खा रहे हैं तो इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर से रस से हम इसे गिराएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देख रहे हैं 1 चम्मच हमने चीनी भी लिए हैं, तो चलिए अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर चटक रहा है हमारा। अब इसमें हम डालेंगे नींबू के रस, उसके बाद डालेंगे चीनी, चीनी को डालने के बाद इसमें डालेंगे हम बिल्कुल 1 कटोरी पानी छोटी कटोरी से। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, प्लीज हमारे चैनल पर जिन लोगों ने नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाए तो आपके पास हर वीडियो हमारा सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर हमने रस्से को गिरा ले रहे हैं।